बहुत तेजी से उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं. मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a conductor. Current density, current density at a point of conductor is current flowing per unit section cross section area at that point, and cross section area is perpendicular to direction of the current. So magnitude of current density is current at that point upon per unit area. Area is perpendicular to direction of current, and current is J vector dot A vector. Next, relation between current and drift velocity, very important relation. 3-4 बार लिखो और तब याद होगा. NEAVD, N number of electrons per unit volume, electric charge, cross sectional area of the wire जिससे current बह रही है, और drift velocity. इस पर सवाल जरूर मिलेगा. और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी इज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन पिछले कई सालों में. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक तो फॉर्मूला आर इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, और दूसरा जो हम इलेक्ट्रॉन्स के मॉडल पर पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का, उसमें जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या है, ध्यान से देखो. R इज एम एन ई स्क्वायर टाउ एंड L अपॉन ए एज इट इज. ई स्क्वायर चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, m मास है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है. इस चीज को बार बार लिख कर याद करो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है. और दो सवाल बनते हैं. एक, नॉर्मल मेटल में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ जाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है. तो रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. एक तो यह कि मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. दूसरा, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम सेमीकंडक्टर में भी कम होता है, लेकिन होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से, तो एन बढ़ जाता है, और ये एन डोमिनेट कर जाता है टाउ के डिक्रीज पर. तो टेम्परेचर बढ़ता है सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ते हैं, चार्ज कैरियर्स, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घटता है पर एन डोमिनेट करता है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इन ऑल घट जाती है. ये दो पर सवाल आता है. तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में मेटल के बीच स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस घटती है और नॉन लीनियर वे में घटती है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वायर को खींचकर उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया, से 4 times कर दिया गया, तो न्यू रेजिस्टिविटी और न्यू रेजिस्टेंस बताओ. रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेजिस्टिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की रेजिस्टिविटी घटती है, और कुछ मटेरियल्स जो कि अच्छे रेजिस्टेंस होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. लेकिन खींचने से, लेंथ बढ़ाने से, थिकनेस बढ़ाने से, कम करने से रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ता है. रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1. आर इज रो एल बाई ए. रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1. रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज रेजिस्टिविटी. तो ये सिर्फ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस बदलेगा इस प्रोसेस में. पहले रेजिस्टेंस मान लो रो एल बाई ए है, और जब लेंथ खींचकर 4 times कर दी गई तो रेजिस्टेंस रो एल की जगह 4L और ए. अब यहां पर जो ए नया है
वो क्या होगा, ए भी बदल जाएगा, जब आप तार को खींचेंगे तो वायर पतला हो जाएगा, तो नया एरिया क्या हो जाएगा, तार का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल सेम होगा। इससे तुमको अगर लेंथ फोर टाइम्स कर दी गई है तो एरिया ए बाई फोर हो जाएगा। नया एरिया यहाँ पे ए डैश की जगह रख दोगे, तो नया लेंथ 4L रख दिया, नया एरिया ए बाई फोर रख दिया, तो आप देखो कि रो एल बाई ए इंटू 16 आया। इसकी जगह आप इनिशियल रेजिस्टेंस रख दो तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स हो जाएगा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर ही आगे बढ़ो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर जो सवाल बहुत बार पूछे गए हैं उसके लिए ये दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वी बाई एल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हुआ, ई टाओ अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो और आई इज एन ई ए वी डी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच तीन तरह के सवाल बने, एक अगर रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड बट करंट रिमेन्स सेम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। रेडियस डबल किया गया तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा पर करंट नहीं बदली, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है करंट अपॉन एन ई ए। करंट नहीं बदली, रेडियस डबल किया गया तो एरिया फोर टाइम्स हो गया, एरिया फोर टाइम्स हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वन बाई फोर हो गई। और इसी तरह से यहां भी इस क्वेश्चन में भी जो पिछले सालों में आ चुका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, करंट सेम बह रही है क्योंकि कंडक्टर एक ही है। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज करंट अपॉन एन ई ए। करंट अगर कंडक्टर से चेंज नहीं हुई तो आई एन ई ये कॉन्स्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिस जगह का एरिया ज्यादा है वहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो एरिया एट ए इज मोर देन एरिया एट बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां पे तार चौड़ा है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी और जहां पे तार पतला है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे पानी का पाइप होता है, जहां आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को पाइप दबाकर कम कर लो वहां से पानी की रफ्तार तेज हो जाती है, तो इससे ध्यान रखना है। पर ये दोनों ही क्वेश्चंस कैसे थे जिनमें करंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन करंट और एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन तीनों को जोड़ने वाला एक और सवाल है जो पिछले सालों में पूछा गया है कि इफ डायामीटर इज डबल्ड, अगर डायामीटर डबल हुआ तो रेडियस डबल हुआ, रेडियस डबल हुआ तो एरिया क्या हो गया, फोर टाइम्स हो गया। एरिया फोर टाइम्स अगर हो गया तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से, एरिया फोर टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस आर बाई फोर हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनली, यानी करंट फोर टाइम्स हो जाएगी। तो ये ऐसा सवाल है जहां करंट सेम नहीं है, ये दो ऐसे सवाल हैं जहां करंट सेम है, वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के बीच रिलेशन सिंपल है, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के बीच रिलेशन सिंपल नहीं है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आई अपॉन एन ई ए, इस पे फिर से गौर करो, करंट बढ़कर 4i हो गई, एरिया अगर 4a हुआ तो इस तरह से देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर करंट भी एरिया के साथ बदल रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। इसके अलावा सवाल पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंडक्टर के अक्रॉस डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। अगर लेंथ इंक्रीज करके डबल कर दिया गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना है कि बाकी चीजें नहीं बदल रही हो, ये क्वेश्चन में मेंशन हो। इसके अलावा V बाई एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिना चेंज किए पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बढ़ जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीधे प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर करंट डबल कर दी गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर करंट डबल कर दी गई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, बशर्ते एन ई और ए ये तीनों चेंज नहीं हुए हैं।
ओम्स लॉ के इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं, ओमिक रेजिस्टेंस यानी मेटल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वी और आई के बीच, आई वाई एक्सिस पर और नॉर्मली वी एक्स एक्सिस पर रहता है। नॉन ओमिक कंडक्टर है तो आपको नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा। सेमी कंडक्टर और एलॉय ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कंडक्टर कब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, इसकी दो कंडीशंस हैं, या तो कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, या कंडक्टर पर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो। इन दो कंडीशन में कंडक्टर भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद बल्ब पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर एक दो क्वेश्चंस समझने के बाद हम सभी क्वेश्चंस को लगभग कर पाएंगे। ये पिछले सालों में पूछे गए सवालों में से है। 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट डीसी सोर्स, कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। ध्यान करो इस पर जो 220 वोल्ट है, अगर उससे ये बल्ब लगेगी तो 100 वॉट का पावर बल्ब देगा। इसका यूज हम रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेट करने में करते हैं, लेकिन जो पावर 220 वोल्ट पर मिलेगी वो पावर 110 वोल्ट पर नहीं मिलेगी। तो अगर आपका वोल्टेज जो स्केलिंग है वो कुछ और है, कैलिब्रेशन, और आपको जिस डीसी सोर्स में लगा रहे हैं वहां पे 110 वोल्ट मिल रहा है, तो ऐसा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे कि आप पावर कंज्यूम्ड पूछा है। पावर कंज्यूम्ड इज वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर में आप जो वी रखेंगे वो 110 वोल्ट रखेंगे, तो वी स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 110 इंटू 110। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बल्ब का? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस वाले डेटा से। रेजिस्टेंस विल बी वी स्क्वायर अपॉन पावर मेंशनड हियर। तो वी स्क्वायर जब 220 वी वो होगा तब पावर 100 वोल्ट होगी, तो वी की जगह यहां पर 220 इंटू 220 रखेंगे और पावर की जगह पे 100 वॉट रखेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। इसे एज इट इज उठा के यहां रख देंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। ये इसे काटकर 4 कर देगा और 100 अपॉन 4 दैट इज 25 वॉट हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से अगला सवाल जो बहुत सिंपल है पूछा गया है कि अगर वॉट एक वॉट का बल्ब है और रेजिस्टेंस है 10,000 ओम तो करंट बताओ। तो जहां पर करंट पावर और रेजिस्टेंस को जोड़ना है वहां पर पावर इज आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। आई स्क्वायर इज पावर अपॉन रेजिस्टेंस, पावर 1, रेजिस्टेंस 10,000। वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू 1 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.01 एम्पियर आ जाएगी। इस क्वेश्चन में दो बल्ब सीरीज में लगे हैं और उसे 200 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया हुआ है। B1 का जो रेटिंग है वो 200 वोल्ट 60 वॉट है, B2 की रेटिंग 200 वोल्ट 100 वॉट है। तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, R1 अपॉन R2 बताओ, P1 अपॉन P2 बताओ पावर कंज्यूम्ड, और V1 अपॉन V2 बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। तो क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए इनसे करंट सेम फ्लो होगी। तो अगर R1 अपॉन R2 तो मैंने कहा कि रेटिंग का यूज आप बल्ब के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, तो पावर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यह वी और पावर दी हुई है। तो आप इस वाले फॉर्मूले को अगर देखो तो रेजिस्टेंस के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करके वी स्क्वायर अपॉन पी करोगे, तो वी स्क्वायर अपॉन पी करने से R1 जो है वी स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा और R2 वी स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 एक्चुअली P2 अपॉन P1 आ जाएगा, यानी 100 अपॉन 60 यानी 5/3। अब पावर कंज्यूम्ड पूछी है, ये पावर का रेशियो नहीं पूछा जो 60 और 100 वॉट है, पावर कंज्यूम्ड पूछी है। तो 60 वॉट ये बल्ब तब खर्च करेगा जब उसे 200 वोल्ट मिल रहा हो, और ये 100 वॉट तब खर्च करेगा जब इसे 200 वोल्ट मिल रहा हो। लेकिन अगर ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसको 200 वोल्ट का कुछ हिस्सा मिलेगा और इसे भी 200 वोल्ट का बचा हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए V1 V2 200 वोल्ट के बराबर नहीं है, तो बल्ब अपने एक्चुअल वोल्टेज के बराबर ग्लो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम करंट सेम है इसका फायदा उठाते हुए पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर R1 यूज करेंगे। P1 अपॉन P2 इज आई स्क्वायर R1 अपॉन आई स्क्वायर R2, तो P1 अपॉन P2 इज R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 हमें 5/3 मिला है, तो इसका आंसर भी 5/3 हो जाएगा। फिर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड का रेशियो मांगा है, तो वो तो IR1 और IR2 का रेशियो हो जाएगा, इससे भी R1 अपॉन R2 मिलेगा, तो 5/3 फिर से आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक से सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है काउंसिल ने
उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बल्ब है जो 4.5 वॉट का और 1.5 वोल्ट की रेटिंग का है, इसे इस सर्किट में कनेक्ट किया गया है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2.67 ओम है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है और 1 ओम से जो करंट जा रही है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बल्ब के अक्रॉस जब 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब वो अपनी पूरी पावर से ग्लो करेगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि कितना ईएमएफ हो कि बल्ब पूरी पावर से ग्लो करे, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होना पड़ेगा। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है तो पैरेलल में इसे और इसे भी 1.5 वोल्ट होना पड़ेगा। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट तय है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज E माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। V की वैल्यू तो 1.5 वोल्ट हो जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है, I की जगह आप कैलकुलेट करोगे ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के लिए तुमको सर्किट में इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पहले पैरेलल में मान के इनका इक्विवेलेंट निकालना होगा। मैंने बताया है कि जो रेटिंग आपको दी रहती है उससे आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हो। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर अपॉन पी, और इससे जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 0.5 ओम। अब 0.5 और 1 ओम का जो इक्विवेलेंट है वो 0.5 इंटू 1 अपॉन 0.5 प्लस 1, और ये 1 अपॉन 3 यानी 0.33 ओम आ जाएगा। अब 0.33 ओम को आप ये इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है, तो 0.33 प्लस 2.67 ये टोटल रेजिस्टेंस होगा और ईएमएफ ई है, तो इससे आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन ई बाई 3.00 मिल जाएगा। अब आप इस करंट को यहाँ आई की जगह रखेंगे और ई को कॉमन ले लेंगे। जब ई को कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन बचेगा उसको सॉल्व करने पर आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसमें ईएमएफ निकालने के लिए 1.5 इनटू 2.97 अपॉन 0.33 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ईएमएफ की वो 13.5 वोल्ट मिलेगी, और ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है सॉल्व पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं हम। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका वो है करंट पासिंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। अब हमको पता है 1 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट अपॉन 1 विल बी करंट पासिंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस एंड दैट इज 1.5 एम्पियर व्हिच इज द बी ऑप्शन। सॉल्व पेपर में ही अगला सवाल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेन इज दिस मच, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ 50 मीटर। हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ के यूनिट एरिया वाले वायर का रेजिस्टेंस ही होता है। तो अगर 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है तो 50 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस आपको सिर्फ 50 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शन आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम, और ये ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल सैंपल पेपर में ही इसका दूसरा पार्ट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्यूब्स ऑफ लेंथ 50 मीटर इन सीरीज। तो अगर 50 मीटर के दो लेंथ के रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होकर आर प्लस आर होगा, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सेम रहता है, वो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो क्यूब्स जो कि 50 मीटर लेंथ के हैं उन्हें आपने सीरीज में जोड़ दिया है तो क्या बदलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटीरियल का सेम रहेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर है, तो यहां भी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, वो ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब वाले क्वेश्चंस में पिछले कई सालों में आए क्वेश्चंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।